खांसी हो रही है, आप उसको बिठाइए, आधा कप खौलता हुआ पानी लीजिए, उसमें कम से कम 4 से 5 ढक्कन कपनेल डाल दीजिए और उनको बोलिए इसको चाय की तरीके से घूट घूट के पीना है और इसको लेने के बाद में आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। आप देखिएगा आधे घंटे के अंदर चाहे उनको खांसी है, चाहे थ्रॉट इन्फेक्शन है, उनको किसी भी तरीके की तकलीफ है, आपको रिलीफ मिल जाएगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा है हमारा कफनेल सिरप। इसकी एक खासियत और है, ये एक्चुअली क्या करता है, जो कफनेल है, कफनेल ये जो हमारा थ्रॉट है, जो गला है, इसको क्या करता है कि एकदम सूदिंग, मतलब बोलते हैं ना, एकदम से उसको रिलैक्स कर देता है गले को। और इसका एक फायदा और होता है कि जो हमारी जो सांस की नली होती है ना, सांस की नली में स्वेलिंग आ जाती है एक्चुअली, और जब सांस की नली में स्वेलिंग आ जाती है तो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है और जल्दी आदमी सही नहीं होता है। लेकिन इसकी खासियत क्या है कफनेल की, ये उसमें भी रिलीफ देती है। वो जो ऑर्डिनरी कफ सिरप थे वो मैंने बिल्कुल उनको देना बंद कर दिया है, जब उनको खांसी हो, जुकाम हो, मैं उनको कफनेल ही देती हूँ और दोनों बच्चे बड़े इजीली उसको ले भी लेते हैं। रिसेंटली मेरा रिजल्ट है सर, मेरी सिस्टर आई हुई थी 4-5 दिन पहले और वो पीएचडी करी है यूनिवर्सिटी से, आके कहती हूँ आज तो गले में दर्द हो रहा है, मैंने कहा कोई नहीं, कफ